सचिन देव बर्मन का जन्म 10 अक्टूबर 1906 को त्रिपुरा के राज परिवार में हुआ। वो एक राजा के सुपुत्र थे, लेकिन अपने जीवन काल में कभी भी किसी जगह उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं राज परिवार से हूँ, मैं राज घराने से हूँ। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उनको विरासत में राजनीति नहीं बल्कि संगीत का तोहफा घर से ही मिला, क्योंकि उनके पिता नवदीप चंद्र बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन थे और बहुत ही प्यारी आवाज़ थी, द्रौपद के गायक थे। तो ये विरासत में संगीत SD बर्मन साहब को मिला और आगे चलकर उसी नींव पर हिंदी सिनेमा के गानों का ऐसा निर्माण किया कि आज हमारे सामने मिसाल है उनके गीत। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि आज हम लोग 21st सेंचुरी में आ गए हैं, हिंदी सिनेमा हमारा बहुत डेवलप हो गया है, इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त हो चुकी है, म्यूज़िक का ऑस्कर हमको मिल गया है, लेकिन वो कमी आज भी खलती है कि आज के गानों में पहले जैसी कशिश नहीं है, पहले जैसी नज़ाकत नहीं है, पहले जैसे मायने नहीं हैं। आज तो ऐसा लगता है कि संगीतकार गानों को बड़ी ही मेहनत से सजाते हैं, लेकिन लोग हैं कि शीला के आते ही मुन्नी को भूल जाते हैं। इस दौर में दादा बर्मन की ये गाने दिलों को सुकून देते हैं। एक ऐसा ही गीत हेमंत कुमार साहब का गाया हुआ हम आपके लिए पेश करने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इस गाने के लिए मैं जिस कलाकार को बुलाने जा रहा हूँ वो कलाकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रोफेशन से वो डॉक्टर हैं, 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि डॉक्टर तो मैं बाद में बना, पहले मैं गायक बना। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। डॉक्टर श्री अजीत भगत जी प्लीज स्टेज पर आए। डॉक्टर साहब सुनाने जा रहे हैं 1952 का एक ऐसा गाना जो इनकी आवाज के साथ हमारे दिलों पर इनकी मोहब्बत का जाल बिछा देता है। फिल्म जाल से है। लौट जाएगी रात के बाहर की फिर कभी लाएगी वो एक पल और है समा दिल की दासना की रात ही चांदनी फिर कहा दिल की दासना बदल के देख ले भूलने पे अब धड़कनों की जबान दिल की दास्तां ये रात ही चांदनी फिर कहां दिल की दास्तां ऐसा लग रहा है।